चंडीगढ़ में लोकसभा चुनावों के आखिरी चरण में मतदान जैसे ही संपन्न हुए वैसे ही एजेंट बूथों पर कार्यकर्ताओं का भाईचारा देखने को मिला। अर्थ प्रकाश के कैमरामैन ने भाईचारे के ये दृश्य अपने कैमरे में कैद कर लिए। और इससे भी बड़ी बात आपको बता दें कि कल 4 जून को देश की आवाम इंतजार में है कि अगले 5 साल के लिए देश में कौन राज करेगा। सर अब इलेक्शन के बाद आप सारे इकट्ठे हो? सर भाईचारा है, भाईचारा आपका कायम है? इलेक्शन के बाद क्यों सर, इलेक्शन से पहले भी इकट्ठे? आज भी इकट्ठे हैं। ठीक है, लीडर लड़ेंगे। ठीक है सर, ये सेक्टर 47 है, यहाँ भाईचारा कायम है। हमारा सिद्धांत है, विचारधारा अलग अलग है मगर याराना एक है। सिद्धू अलग अलग हो सकती है मगर एक सेक्टर वाले सब एक है। माहौल 70-30 का है जी। मतलब 70% मनीष तिवारी जी है। अच्छा जी, 20% है जी रूलिंग। मतलब आपने ढोल नगाड़े बजाने की तैयारी कर ली है पूरी? बिल्कुल, लड्डू की तैयारी है जी। अच्छा, लड्डू के ऑर्डर कर दिए आपने? हमारे को तो फिर सॉलिड विश्वास है कि फाइनल मतदाताओं को ये चाहते हैं कि बेरोजगारी से छुटकारा, अगर अपने बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट डाल। गोरालाल गोयल, बीजेपी वर्कर, 47D का रहने वाला हूँ। हमारे वार्ड में लोगों में उत्साह है। जो लोग हमारी पार्टी को नहीं भी वोट देना चाहते उनका भी मन मोदी जी को चुनने का है। वो वोट मोदी जी को ही दे रहे हैं क्योंकि वो देश का नेता चुन रहे हैं, ना कि एक MP या सांसद चुन रहे हैं। इसलिए जो हमारे वार्ड के लोग हैं ज़्यादातर लोग 60% के नियर अबाउट वोट हो गई है, जिसमें 75% अबव जो वोट है 47 की वो BJP को आएगी क्योंकि उनके देश का जो नेता चुने जो बढ़ कर जा कर के हमारी नुमाइंदगी कर सके। जो जितने फॉरेन कंट्री हैं वो हमारे देश की ओर झाँक रहे हैं। 140 करोड़ लोगों का देश है, इसकी जो प्रतिनिधित्व कर सकता है और कोई विपक्ष में ऐसा नेता ही नहीं है जो 140 करोड़ लोगों की बात ऊपर देशों तक ले जा सके। और जो देश है हमारे इंडिया को चाहते हैं, इसलिए जो हमारा वोटर है वो भी मोदी को ही चाहता है, बीजेपी को ही चाहता है। इसलिए हमारे को ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी कम से कम 415-16 सीट लेके आएंगे। ये हमारे को जहाँ के लोगों का अच्छा जहाँ बाहर से आ रही खबरों से पता चलता है 418 सीट 400 पार का जो नारा है मोदी जी का वो अवश्य पूरा होगा। हमारी होप से बहुत अच्छा, जितना हमने चाहा था हमारे इतनी पोलिंग में बाहर लोगों को हमने निकाला है। हमारे पूरे चंडीगढ़ के लोग जोर शोर से संजय टंडन जी के साथ खड़े हुए हैं हमारी पार्टी के सहयोग में और हमें पूरी निश्चित जीत है, हमारी जीत पक्की होगी। हमारी अभी तक 60-65% वोट्स हम डलवा चुके हैं। आज की वोटिंग बहुत अच्छी हो रही है चंडीगढ़ के अंदर। सेक्टर 46 में हम खड़े हैं, यहाँ पर हमारे डी के अंदर 3 बूथ हैं, 4 बूथ हैं। इसी तरह 3 जगह पे ये अलग अलग है सेक्टर का और लगभग 50% से ऊपर हर जगह पे हो चुकी है। कहीं पर 52% भी है, कहीं पर 50% है। तो अच्छा ट्रेंड जा रहा है और मोदी जी जीत रहे हैं, संजय टंडन जी यहाँ से चंडीगढ़ से जीतेंगे।